हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स का फर्स्ट लेसन के ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें मैं आप लोगों के लिए 20 ऑब्जेक्टिव्स लेके आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं सबसे पहले कि क्या क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों के पास। ठीक है, चलिए देखेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्युत आवेश कैसी राशि है? विद्युत आवेश कैसी राशि है आपको यह बताना है। तो याद रखिएगा, विद्युत आवेश जो है वो भौतिक राशि है। कैसी राशि है? भौतिक राशि है। ठीक है, एक अब देखिए, पदार्थों को विद्युत आवेश की गति के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ठीक है, पदार्थों को विद्युत आवेश की गति के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो याद रखना, 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। क्लियर है? फिर किसी वस्तु पर मूल आवेश कितने कूलम के बराबर होता है? तो याद रखिएगा, 1.6 गुणे 10^-19, ठीक है, 10^-19 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, ठीक, किसी वस्तु पर मूल आवेश कितने कूलम के बराबर? 1.6 गुणे 10^-19, ठीक है, 19 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, फिर बोल रहा है क्या कि कूलम का नियम, ठीक है, कब प्रतिपादित किया था? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कूलम का जो नियम है वह 1785 में प्रतिपादित हुआ था। याद रखिएगा, 1785 में प्रतिपादित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है, कूलम का नियम किस नियम के समतुल्य है? तो याद रखिएगा, ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के क्या है, ये समतुल्य है। ठीक है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के समतुल्य है। आपने पढ़ा होगा F=g × ठीक है आपका, ठीक है, m1 × m2 बटा में r² इसी नियम के समतुल्य है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्या नेक्स्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है आपके पास, देखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ठीक, कि मोम के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है? तो मोम के लिए याद रखिएगा, 2 होता है। मोम के लिए कितना होता है परावैद्युतांक का मान? 2 होता है। कितना? 2। ठीक है, धातु के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है? एकदम अनंत, याद रखिएगा, अनंत होता है। कितना? अनंत होता है। फिर ताप, याद रखिएगा, ताप के बढ़ने से परावैद्युतांक के मान में क्या परिवर्तन होता है? क्या, ठीक है, के मान में क्या परिवर्तन होता है? उसका मान घट जाता है। ठीक है, अगर ताप बढ़ेगा तो परावैद्युतांक का मान क्या हो जाएगा? घट जाता है। जैसे लोहे का तापमान अनंत होता है, ठीक है, अगर उसको क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो उसका परावैद्युतांक जो हो जाएगा वो कम हो जाता है। ठीक है, फिर आवेशों का वितरण सरल रेखा में हो तो इस प्रकार के वितरण को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा, रेखीय आवेश कहा जाता है। रेखीय आवेश वितरण कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है, रेखीय आवेश वितरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार की राशि है? तो याद रखिएगा, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो सदिश राशि है। उसमें डायरेक्शन भी होता है और परिणाम भी होता है। ठीक है, ठीक, इसलिए वो कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम होता है। न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। फिर बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली बल रेखाओं का, ठीक है, सुझाव किस वैज्ञानिक ने दिया था? विद्युतीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली बल रेखाओं का सुझाव किसने? तो फैराडे ने दिया था। किसने दिया था? फैराडे ने दिया था, ध्यान। ठीक है, फिर बोल रहा है विद्युत क्षेत्र रेखा, ठीक है, रेखाएं चालक के सतह के होती है, किसके भैया? तो लंबवत होती है। विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, ठीक है, उनमें विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं चालक की सतह की क्या होती है? लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत। मान लीजिए ये चालक है तो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी? तो चालक के लंबवत होती है, इस तरह से। ठीक है, चलिए ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए भाई। नेक्स्ट है आप लोग के पास कि किसी चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होता है? तो शून्य होता है। किसी भी चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव किस प्रकार की राशि है? तो सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, फिर द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र LTA होता है। LTA याद रखिएगा, LTA। फिर बल आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर होता है। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक न्यूटन इंटू मीटर। फिर
किसी वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, समतल कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? समतल कोण कहलाता है। किसी भी वृत्त के चाप के द्वारा बनाया गया कोण जो होता है वो क्या कहलाता है? समतल कोण कहलाता है। ठीक है, ये चाप हो गया, ठीक है, इसके द्वारा बनाया गया कोण क्या कहलाएगा? समतल कोण कहलाता है। घन कोण क्या होता है? ठीक है, घन कोण, तो देखिए घन कोण का ऐसा ही मात्रक बोल रहा है आपसे, ठीक है, तो घन कोण का ऐसा ही मात्रक ध्यान दीजिएगा क्या है भैया, तो घन कोण का ऐसा ही मात्रक क्या आपके पास? स्टे रेडियन। क्या है? स्टे रेडियन। और इसका अगर कहे समतल कोण का तो रेडियन होता है, इसका स्टे रेडियन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये पूरक राशियां हैं, याद रखिएगा। फिर विद्युतीय फ्लक्स किस प्रकार की राशि है? तो याद रखिएगा अदिश है, ठीक है, अदिश, ठीक है। तो देखिए घन कोण पूछ रहे, तो घन कोण देखिए, कोई अगर वृत्त ऐसे है, कोई ठोस पदार्थ, इसके द्वारा जो केंद्र में बना कोण, इसी को कहते हैं ठोस कोण। क्या कहते हैं? ठोस कोण, ठीक है। और ये कहा था लास्ट जो, विद्युतीय फ्लक्स किस प्रकार की राशि है? तो याद रखिएगा, ठीक है, अदिश राशि है। विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की लंबवत, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र रेखा, विद्युतीय सतह या किसी चालक की सतह के लंबवत विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? तो विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। अगर कोई सरफेस है, इसके लंबवत जो भी आपके चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को क्या कहा जाता है, या विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन थे। आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।